बाजार से आप रोज रोज बच्चों को कैंडी ला के देते हैं, मगर आज मैं जिस तरह से घर पर कैंडी बनाऊंगी, ये खाने में जितना ऊपर से इतना क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही मीठा है। दोस्तों ऐसे ही आप ट्राई करेंगे घर पर, तो बाजार से कैंडी लाना ही भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी पनीर कैंडी। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर हमने लिया है एक कटोरी पनीर, जो ये छोटा सा इसका पनीर है, तो कैंडी के हिसाब से ये बड़ा है। इसको काट के दो टुकड़े कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सारे पनीर को हमने आधे टुकड़े में काट लिया है। पहले हम मैदे का डो तैयार करेंगे। इसी कप से मैं 2 कप मैदा लूंगी, नमक, रिफाइंड ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से मैदे में मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी देंगे, इस मैदा का डो तैयार करेंगे। गैस स्टोव हमने ऑन करके एक पैन चला दिया है, तो अभी हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो पैन में हम दे रहे हैं शुगर और थोड़ा सा पानी देते हैं। दोस्तों ये जो शुगर सिरप होगा ये पतला नहीं होगा, ये गाढ़ा होगा, इसलिए हमने पानी कम डाला है। दोस्तों करीब 10 मिनट के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ब्राउननेस आ गया है। सारे पनीर को हम सिरप में डाल देंगे। तो इसी शुगर सिरप से हम पनीर को कोट करेंगे। तो कोट हो चुका है, हम इसको साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ऐसे रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ ना चिपके। दोस्तों करीबन 15 मिनट के बाद इस डो को हम हाथों से थोड़ा सा और भी मच लेंगे और इस तरह हम 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हम देखिए अभी बड़ा साइज का रोटी बेलना है, तो इसलिए हमने 2 बॉल बना लिया है। तो एक बॉल को हम साइड में रख देंगे, एक ही बॉल लिया है, इसको पतला करके रोटी की तरह बेलना है। दोस्तों हमने यहाँ एक बड़ा साइज का पतला रोटी बेल लिया है। देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा साइज का ग्लास लिया है, तो इसी के आकार में हम काटेंगे। बाकी बचा हुआ जो डो है इसको भी हम बड़ा साइज का रोटी बनाकर इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। दोस्तों इसको हम और भी थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये देखिए ये चारों ओर से पूरा पतला हो चुका है। इसके अंदर हम शुगर कोटेड पनीर को रख देंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए किस तरह फोल्ड करना है, एक साइड हमने इस तरह फोल्ड किया है, दूसरा साइड भी इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और हाथों में लेंगे और ठीक इसी तरह से हम कैंडी की तरह मोड़ देंगे। दोस्तों देखिए ये कैंडी का आकार ले चुका है, तो अभी हम फ्राई करेंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए कैंडी को भी तैयार कर लेंगे। तो हमारा सारे कैंडी फ्राई होने के लिए तैयार हो चुका है। स्टोव पर हमने कढ़ाई चला दिया है, अभी हम देंगे रिफाइंड ऑयल।
डीप फ्राई करेंगे इसलिए हमने ज़्यादा तेल दिया है। तेल हल्का गर्म होने के बाद हम एक एक करके कैंडी को डालेंगे। दोस्तों कैंडी को फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम लो रखना है। हमारा कैंडी बनके तैयार। बाकी बचा हुआ कैंडी को भी हम फ्राई कर लेंगे। दोस्तों कैंडी सबको पसंद है, पर ये जो कैंडी है ये बच्चों से लेके बड़े सबको पसंद आएगा। और ये देखिए ये ऊपर से कितना क्रिस्पी हुआ है, शायद आपको आवाज भी सुनाई दे रहा है।